दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको किसी बिजनेस का उद्यम आधार बनाने का कंप्लीट और लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा। उद्यम आधार को ही MSME सर्टिफिकेट भी कहते हैं। सो अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो उसे आपको फ्री में ऑनलाइन रजिस्टर्ड जरूर कर लेना चाहिए, उसका MSME या उद्यम सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना चाहिए। उद्यम आधार बनाने से आपको कई सारे फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि आपका बिजनेस फ्री में रजिस्टर्ड हो जाता है। दूसरा फायदा आपको ये मिलता है कि अगर आप उद्यम आधार से सरकार से लोन लेते हैं तो सरकार आपको उस पर सब्सिडी देती है, कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाता है और भी कई सारे टैक्स रिलैक्सेशन मिलते हैं, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी आपको कंसेशन मिलती है। सो इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको MSME सर्टिफिकेट बनाना बताया था, लेकिन उसमें कई लोगों को कन्फ्यूज़न ये आ रही थी कि चार पेज वाला उद्यम सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, चार पेज वाला उद्यम आधार कैसे बनाते हैं। सो इस वीडियो में आपको एक पेज वाला और चार पेज वाला ये दोनों तरह के MSME सर्टिफिकेट बनाने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। सो वीडियो ध्यान से पूरा जरूर देखें। इसके लिए आपको MSME या उद्यम रजिस्ट्रेशन के इस पेज पर आ जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर पर क्लिक करना है, फिर इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर देंगे, फिर यहाँ पर उसी स्पेलिंग के साथ अपना पूरा नाम लिखेंगे जिस स्पेलिंग के साथ आपका नाम आपके आधार कार्ड पर लिखा है, फिर वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। फिर आपके इस आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को देखकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई होते ही अब आपको पैन वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करेंगे। अगर ये बिजनेस आपका खुद का है, आप इस बिजनेस के अकेले मालिक हैं, तो आपको प्रोप्राइटरी सेलेक्ट करना है। अगर ये बिजनेस आप किसी पार्टनर के साथ करते हैं तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोप्राइटरी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर देंगे, फिर पैन वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को बारी बारी से भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास GST नंबर है या नहीं। अगर है तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे, एक ईमेल आईडी देंगे, नीचे आएंगे, यहाँ से आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आप जनरल हैं, SC ST या OBC है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है। फिर यहाँ पर आप स्पेशली दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग है तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप अपने बिजनेस या शॉप का नाम देंगे जिसका आप उद्यम सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी नाम दे देता हूँ, इसी नाम को दोबारा नीचे आपको प्लांट या यूनिट नेम में पेस्ट करना है, ठीक है। फिर एड यूनिट पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे आपका यूनिट नेम आ जाएगा। अब लोकेशन ऑफ यूनिट में यूनिट नेम पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने प्लांट या यूनिट को सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आप अपने बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस देंगे, पिन कोड देंगे, यहाँ से आप स्टेट अपना सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ऐड प्लांट पर क्लिक करते ही आपका ये एड्रेस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप चाहें तो कभी भी अपने एड्रेस को यहाँ से कट करके फिर से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपना ऑफिस एड्रेस देंगे। अगर आपका बिजनेस एड्रेस और ऑफिस एड्रेस दोनों सेम है तो जो एड्रेस अभी आपने यहाँ पर दिया है सेम उसी एड्रेस को नीचे यहाँ पर एंटर करेंगे। 14 नंबर में अगर आपके पास पहले कोई बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर है, UM नंबर है, तो उसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर पिछला कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो इसे आपको NA ही सेलेक्ट रहने देना है। अब यहाँ पर आप उस डेट को सेलेक्ट करेंगे जिस डेट में आपने अपने इस बिजनेस को शुरू किया था। इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन होगा, इस कैलेंडर से आपको डेट को सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे अपना बैंक अकाउंट का डिटेल देंगे, जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम लिखेंगे, IFSC कोड देंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर देंगे। अब 17 नंबर में आपको अपने बिजनेस या शॉप के मेजर एक्टिविटी के बारे में बताना है। अगर आप अपने बिजनेस या शॉप में मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सर्विसेज देते हैं तो सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। सर्विसेज में आपको दो ऑप्शन मिलता है, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग का। अगर आप व्यापारिक हैं तो ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे, अगर आप गैर व्यापारिक हैं तो नॉन ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान से अपने बिजनेस या शॉप का NIC कोड सर्च करना है। अब NIC कोड कैसे सर्च करना है वो मैं आपको बताता हूँ। NIC कोड का मतलब होता है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड, ठीक है। तो हर एक बिजनेस का अलग अलग कोड होता है, तो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी NIC कोड को सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कपड़े का काम करते हैं तो यहाँ पर आपको टाइप करना है क्लोथ। टाइप करते ही नीचे कई सारे लिस्ट आ जाएंगे, इसमें आपको अपने बिजनेस एक्टिविटी को सर्च करना है, देखना है, ध्यान से पढ़ना है। जिस भी NIC कोड में आपका बिजनेस मैच करता है उसे आपको बस यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप एक से ज्यादा NIC कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैं उद्यम सर्टिफिकेट बनाने जा रहा हूँ वो पोल्ट्री फार्म का काम करते हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप करूंगा पोल्ट्री, ठीक है। पोल्ट्री टाइप करते ही आपके सामने कई सारे लिस्ट आ जाएंगे। आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी को यहाँ पर मैच करना है, उसे आपको पढ़ना है। अगर आपको ये लगता है कि ये आपके बिजनेस से मैच कर रहा है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है।
फिर ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक एक्टिविटी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसी तरह से फिर से आप अपने बिजनेस को यहाँ पर सर्च करेंगे। इसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्टिविटी मेरे बिजनेस से मैच कर रहा है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। फिर से ऐड मोर एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक्टिविटी ऐड होती जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर कट वाले बटन पर क्लिक करके अपने इस एक्टिविटी को डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 5 NIC कोड को सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे आपको ये बताना है कि आपके बिजनेस या शॉप में कितनी महिला या पुरुष काम कर रहे हैं। अगर आपके बिजनेस में एक महिला पुरुष काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक टाइप करना है, फीमेल में आप आएंगे, फिर से एक टाइप करेंगे, फिर अन्य में आपको 0 टाइप करना है, यहाँ पर टोटल 2 हो जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप अपने बिजनेस में कितना का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहाँ पर आपको एक एस्टिमेट वैल्यू बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो मैं यहाँ पर 5 लाख टाइप करूंगा। फिर यहाँ पर आपको 0 टाइप करना है। फिर नीचे आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2020 से 2021 के बीच में आपका टोटल टर्नओवर कितना का रहा है, तो यहाँ पर भी मैं सिंपली 4 लाख यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, 4 लाख, ठीक है। इसी तरह से आपको 5 लाख के अंदर ही यहाँ पर वैल्यू देना है, अगर उससे ज्यादा है तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है, अगर आप इन सारे चीज में इंटरेस्टेड हैं, इसमें आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो इसे आप यस या नो में जवाब देंगे। तो मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट करूंगा। नो सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप फाइनल एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक करेंगे। फिर इस तरह का पॉपअप आएगा, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने डिटेल को दोबारा एक बार चेक कर लें। अगर आपको डिटेल बिल्कुल सही लगता है तब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP जाएगा, यहाँ पर OTP एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को देकर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर से ओके पर क्लिक करेंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, इसे आपको कॉपी करके या स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। फिर यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, उसी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे, फिर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देंगे जो अभी आपने दिया था, फिर OTP ऑन मोबाइल को सेलेक्ट करेंगे, फिर वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके इस नंबर पर OTP जाएगा, OTP यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर वैलिडेट OTP एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन की डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। ये रहा आपका उद्यम सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को प्रिंट आउट करने के लिए ऊपर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, प्रिंट और प्रिंट विथ एनेक्सर। अगर आप अपनी उद्यम सर्टिफिकेट को 4 पेज के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं तो ऊपर आपको प्रिंट विथ एनेक्सर पर क्लिक करना है, और अगर आप 1 पेज के साथ अपने इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिर्फ प्रिंट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आपको 4 पेज में इसे प्रिंट आउट करके दिखाता हूं। तो प्रिंट विथ एनेक्सर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका ये सर्टिफिकेट 4 पेज में आ जाएगा। देख सकते हैं कि ये 4 पेज में आ गया है। इसे PDF में सेव करने के लिए यहाँ पर आप PDF सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे सेव पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर है तो यहाँ पर आपको अपने प्रिंटर को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे, आपका ये PDF प्रिंट आउट होकर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट पर क्लिक करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट बिल्कुल 1 पेज में आया है। तो अगर आप 1 पेज वाला डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली PDF को सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे आप सेव पर क्लिक करेंगे, और जहाँ पर आप इसे सेव करना चाहते हैं सिंपली आप उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे, आपका ये PDF आपके कंप्यूटर या मोबाइल में सेव हो जाएगा। सो अगर आप इसी तरह का कोई भी ऑनलाइन काम हमसे घर बैठे करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।